आप सभी का स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के इस हिंदी पॉडकास्ट में। आज बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में। काफी व्यूअर्स ने हमको डीएम किया है, कमेंट्स में बताया है कि भाई बताइए कि ये अर्थशास्त्र है क्या और चाणक्य नीति अर्थशास्त्र क्या वो सेम है, क्या वो अलग है। बहुत सारे कंफ्यूजन थे तो आज हम डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई सर से जानेंगे कि चाणक्य ने कितनी किताबें लिखी थी, चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, और इसके बारे में हम और जानकारी पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मानसी जी एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। आपने जो कमेंट्स किए, आपने जो रिक्वेस्ट किया, उसी के ऊपर आज का पॉडकास्ट है, विच इज अबाउट चाणक्य एंड मोर, जैसे कहा कौटिल्य अर्थशास्त्र में। यस सर, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति ये एक है कि अलग है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले हमको इसका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चाणक्य जो थे, जिनको हम आचार्य चाणक्य कहते हैं, उनके तीन नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। कौटिल्य जो नाम आता है उनका, उसके काफी सारे बैकग्राउंड बताए जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि उनकी कोई गोत्र थी जिसका नाम है कुटिल गोत्र, जिसकी वजह से उनको नाम आया कौटिल्य। दूसरा एक विचारधारा है जो कहते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, दे केम फ्रॉम ए विलेज कॉल्ड एज कुटिल, और सबसे जो फेमस है या सबसे माना हुआ जाता है कूटनीति, समबडी हु थिंक्स डिफरेंटली। तो ये हो गया विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चाणक्य के पिताजी का नाम था चणक, तो चणक का पुत्र चाणक्य। तो तीनों के एक ही व्यक्ति के तीन नाम है। अब आपने कहा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र, जैसे हम कहते हैं कि एकेडमिक वर्ल्ड में ये काफी वेल नोन किताब है जो चाणक्य ने खुद लिखी थी, और प्रजाओं में या फिर कॉमन मैन में चाणक्य ने ये किताब भी काफी फेमस है। दोनों में अंतर क्या, मैं एक लाइन में उनका अंतर बताता हूँ कि कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक फॉर राजविद्या एंड चाणक्य नीति इज अ बुक फॉर प्रजा विद्या। इसका अर्थ क्या है, जैसे सबको पता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, बट केवल राजा बनाया नहीं, पदवी देके उसको ट्रेनिंग दी, उसको तैयार किया, और राजा बनने के बाद भी उसको गाइड किया। जैसे लीडर्स रिक्वायर मेंटर्स, और आप भी एक मेंटर हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि लीडरशिप का जो क्षेत्र है या जो फील्ड है, उसका जो साइंस है, वो चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है। अब थोड़े टेक्निकली में अगर बोलने जाऊं तो चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र में फर्क क्या, पहला फर्क जो है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में 6000 सूत्र है, जबकि चाणक्य नीति में 350 सूत्र है। और 6000 सूत्र जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के हैं, उनको 15 किताब में बांटा गया है, और उसमें 180 टॉपिक्स है, और टॉपिक्स राइट फ्रॉम यू नो फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, इकोनॉमिक्स, फॉरेन पॉलिसीज, वॉर, लॉ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, जेमोलॉजी, आयुर्वेदा, आर्किटेक्चर, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप देखोगे कि एक राष्ट्र जब बनता है, तो हमारे यहाँ पे संविधान बना गया है, जैसे 26 जनवरी इज ए रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया, इट इज नॉट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो हमने अपने आप को संविधान दी, हाउ टू रन द कंट्री, उसी तरह चाणक्य उस जमाने में 2400 साल पहले किताब लिखी जो राजाओं के लिए है कि वो राज्य कैसे करें। बल्कि मैं ये कहूंगा कि चाणक्य केवल एक राजगुरु नहीं थे, वो सामान्य लोगों के लिए गुरु थे। तो उन्होंने सोचा होगा बाद में कि मैं प्रजा के लिए क्या लिखूं, कि कैसे जिंदगी जीना है, जैसे हाउ टू बी ए गुड फैमिली पर्सन, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, मॉरल्स, एथिक्स। तो वो जो है वो चाणक्य के चाणक्य नीति में आता है। तो ये है फर्क, कौटिल्य अर्थशास्त्र 6000 सूत्र राज विद्या, चाणक्य नीति 350 सूत्र के आसपास जो प्रजा विद्या है। बट एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं रिसर्च करते रहता हूँ, और भी किताब सामने आई है जिसके नाम है चाणक्य प्रणीति सूत्र। हाँ, तो ये पहली बार सुना सर। बिल्कुल, तो चाणक्य प्रणीति सूत्र, शायद हम एक उसके ऊपर पॉडकास्ट अलग से करेंगे। तो चाणक्य प्रणीति सूत्र में 550 के आसपास सूत्र है, दैट इज आल्सो ऑन गवर्नेंस। लेकिन ऐसे इतिहासकार या हिस्टोरियन बताते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो मेन किताब है, उसके जो नॉलेज या फिर जो विजडम है, उसी को निकाल के शायद किसी और ने चाणक्य नीति या प्रणीति सूत्र लिखा होगा। इंटरप्रिटेशन है।
इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि राधा कृष्णन बिफोर चाणक्य एंड राधा कृष्ण आफ्टर चाणक्य इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। तो मैं आपको बता सकता हूँ फर्क मुझे ये हुआ कि जब मैंने पढ़ा था, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो नई सोच और विचार आ गए, तो थिंक लाइक ए लीडर एंड ट्रेन लीडर्स। आज भगवान की कृपा से मैं सबको समझ सकता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर कैसे सोचता है, एक बिजनेस लीडर कैसे सोचता है, एक आर्मी नेवी एयरफोर्स के लीडर कैसे सोचता है, या फिर स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल कैसे सोचते हैं। तो चाणक्य पढ़ के मुझे सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, टुडे आई कैन एनालाइज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट, और मैंने अपने जिंदगी में भी यूज किया है एंड हेल्प अदर्स आल्सो टू थिंक लाइक ए लीडर। सर, आपने यूनिवर्सिटी में बताया था कि तकरीबन 500 सूत्र है लीडरशिप को लेकर अर्थशास्त्र में, तो सर इतने सारे सूत्र पढ़ने जरूरी है? मैं तो कहूंगा कि पूरा पढ़ो, 6000 सूत्र पढ़ लो, 500 पढ़ लो, लेकिन मैं तो कहूंगा एक सूत्र कम से कम अपनी जिंदगी में अपना लो। So remember, it is not studying that actually matters. Mm-hmm. It is living those principles that you studied that really matters. True. एक आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवत गीता है, उसमें 700 श्लोक है। So एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और कहा कि I have studied all the 700 श्लोकास of भगवत गीता and I have gone through it 7 times. और गुरु ने कहा कि you may have gone through भगवत गीता 7 times, but how many times भगवत गीता has gone through you? सर आपने बोला कि एक भी सूत्र अगर हमने अप्लाई किया तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे सबसे पहला जो हमने सूत्र यूनिवर्सिटी में सीखा था, स्वामी हमारे जनपद दुर्गा कोशर नंद मित्र, तो सर ये आपने बताया था कि ये जो सप्ताह मॉडल है वो हर फील्ड में एप्लीकेबल है, तो मतलब इसके बारे में क्या हम सोच सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मानसी जी। इससे क्या होता है कि मैं एक ही सूत्र को लेकर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, जैसे हम यूनिवर्सिटी में भी। तो क्या है ये सूत्र, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के 6वें किताब सिक्स्थ बुक का पहला सूत्र है। पहले संस्कृत में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणि प्रकृतयः। इसका मतलब है स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड और मित्र, ये सब मिलके एक राज्य बनता है, या फिर इसको कहते हैं प्रकृति। तो इसको अगर हम लोग अगर पूरी तरह ट्रांसलेट करें तो चाणक्य अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है उस जमाने में कि इस राज्य कैसे करना है। लेकिन राज्य कैसे करने के लिए पहले हमें समझना होता है कि राज्य होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी बिजनेस लीडर, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस। तो जैसे पॉलिटिकल लीडर है या फिर उस जमाने में राजा थे, उनको राज्य करना है, तो चाणक्य सिखाते हैं कि एक राज्य के 7 अंग होते हैं, जिसे हम कहते हैं सप्तांग। तो स्वामी का मतलब एक राज्य में एक लीडर चाहिए, राजा या रानी। अमात्य, उनकी मंत्री परिषद। जनपद, एक राज्य में राजा है, मंत्री है, मंत्री परिषद है, लेकिन प्रजा ही नहीं है तो क्या फायदा। तो जनपद, दुर्ग, उस जमाने में किले हुआ करते थे, फोर्ट्स, तो दुर्ग। कोश, पैसा भी लगता है उस जमाने में, ट्रेजरी। दंड, आर्मी। और मित्र, एलाइज। हर राजा के अपने शत्रु भी होते हैं, उससे ज्यादा उसके दोस्त भी होते हैं। तो अगर ये 7 चीज 7 में है, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र, फिर उस राज्य को कोई नहीं हिला सकता। तो ये हम बोलते हैं कि कैन बी अप्लाई दिस नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल फील्ड इन द मॉडर्न एरा, बट कैन बी अप्लाई इट मे बी इन स्कूल और एक कॉलेज और इवन बिजनेस। तो ये मेरा लाइफ में 21 सूत्र को लेके मैं हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ। इनफैक्ट हमने एक मूवी भी बनाई, उसमें इट्स कॉल्ड चाणक्य स्पीक्स। तो यस, तो ये छोटा सा है लेकिन एक सूत्र को समझ के पूरा लीडरशिप मॉडल हम जान सकते हैं। वाओ सर, ऐसे कहते हैं कि अर्थशास्त्र को कहा जाता है स्क्रिप्चर ऑफ नॉलेज, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे माना गया है कि विद्या परम धन है। सो जो विद्या है, नॉलेज है, वही सबसे बड़ा धन है। और अगर हम उस ज्ञान का धन है तो आपको कहीं भी उसका वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हम भारत में है, जाओगे तो शायद हमारा वैल्यू बड़ा होगा। सो द वैल्यू चेंजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर करेंसी डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, बट नॉलेज का वैल्यू कभी कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि इंडिया में जो पढ़ के लिख के जाते हैं, अमेरिका में जाके बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट देखिए, गूगल देखिए,
या फिर IBM है या बड़े बड़े कंपनीज है, इसका मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन स्टडीड इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक एन IIT और एन IIM, और आप लोग जैसे लोग मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाते हैं, मैंने भी वहीं से PhD किया, बट कहीं भी जाते हैं तो उसका वैल्यू कम नहीं होता, उल्टा वैल्यू बढ़ जाता है. इसीलिए द रियल इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू विच विल मल्टीप्लाई 100 टाइम्स विद टाइम इज वेल्थ. नो, इट्स नॉलेज ऑफ वेल्थ. सो ज्ञान ही सही धन है, ये चाणक्य कहते हैं. सर, आपने आपके रिसेंट टॉक्स पे काफी बार ये चीज स्पेसिफाई की है कि इंडिया में इट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, तो सर ये आप क्यों कहते हैं? जब मैं कॉलेज में था, आई रिमेम्बर व्हेन आई डन माय मैनेजमेंट स्टडीज, तो हमारे यहाँ पे काफी बुक्स थे, पीटर ड्रकर करके मैनेजमेंट थिंकर थे, उन्होंने उनको कहा जाता है कि इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. तो उनका एक बहुत बड़ा वाक्य है, वेरी बिग स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि इंडिया और ग्लोबली there will be lot of demand for knowledge workers. तो knowledge worker वो नया टर्म था हमारे लिए. तो क्या थे उस जमाने में, नए नए लोग जो पढ़ लिख के आते थे वो कंपनी में जाके बड़े बड़े पोस्ट पे मैनेजर्स वगैरह बनते थे. तो if you look at the IT industry या software industry, it is full of knowledge workers. क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ग्रेजुएशन से मिनिमम थी. आजकल बिना ग्रेजुएशन के आपके कुछ बड़ा वैल्यू भी नहीं होता. आजकल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आपके पास ये डिग्री नहीं होती, एक अलग लेवल का नॉलेज होता है. तो यस, देयर वाज अ जनरेशन ऑफ नॉलेज वर्कर्स और भारतीयों को बहुत फायदा हुआ है. जहाँ भी वो जाते हैं टुडे लुक एट इट, दे आर एक्चुअली बिकम नॉलेज वर्कर्स. लेकिन आपने जो अलग बात बताई वो है प्रश्न कि नॉलेज इकोनॉमी मतलब क्या. देखिए, नॉलेज के साथ जो पैसा कमाया जाता है बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो शायद आप दिन का 1000 रुपया बनाते हो, लेकिन अगर वही नॉलेज हो तो मे बी दिन का 10 लाख रुपए बनाते हो. मुझे अभी भी याद है, मानसी जी हमने कोयम्बतूर में डॉक्टर करुणा मूर्ति उनका बुक लॉन्च किया था, जहाँ पे आप भी थे, द माइंड ऑफ इट. तो आप देखो कि डॉक्टर करुणा मूर्ति ऑलरेडी इज अ PhD, उनका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और जब वो कहीं नौकरी करते थे तो उनको जितना मिलता आज वो एक दिन में उतना कमाते हैं. तो आप देखिए, इज बिकम पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी. और उस फील्ड जो विंड एनर्जी हम कहते हैं उसमें तो इज अ मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन. तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी क्षेत्र में हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट इट, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, नॉट ओनली इन इंडिया, इफ यू लुक एट ग्लोबली ऑल्सो. आजकल हम लोग एक मूवी के बारे में बात करते हैं, अवतार. जेम्स कैमरून जिन्होंने टाइटैनिक बनाया, टर्मिनेटर बनाया, अवतार सीरीज बनाए, उनके बारे में कहते हैं कि ही इज नॉट जस्ट अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, ही हैज गॉट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली हॉलीवुड के बारे में कहते हैं. तो अभी वो देखते हैं कि वो बिलियंस में कमाते हैं. सो द आइडिया इज दैट नॉलेज कैन बी टर्न इन टू मनी. और आजकल आप देखो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें, फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या CEO कोचिंग या लीडरशिप कोचिंग, जिस फील्ड में आप भी हो, तो वहाँ भी आप देखोगे कि आपके पास है क्या, आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है. क्या आप देखो कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, वो तो हो गया जमाना. टूडे यू आर द पर्सन जिसके पास उतना नॉलेज है जिसके वजह से आप पूरा इकोनॉमिक मॉडल बना सकते हो. सो यस, सो बी पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी एंड मेक लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स. ग्रेट सर, एक अर्थशास्त्र का सूत्र मुझे याद आ रहा है जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, कंटिन्यू स्टडी इंश्योर्स अ ट्रेन इंटेलेक्ट, फ्रॉम इंटेलेक्ट कम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिजल्ट्स इन सेल्फ पोजेशन. सर, इसको अगर आप ब्रीफ कर पाए. ये मेरा फेवरेट है एंड आई टेल दिस टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ या वर्कशॉप्स करता हूँ. तो ऐसे यू नो, हु इज अ लीडर, देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, बट ये जो क्वालिटी है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग, उसको चाणक्य ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी, तो पहली बात है कि लीडर को कंटिन्यूअसली स्टडी करना है. हमारे यहाँ पे स्टडी का मतलब होता है डिग्री लेना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. ये डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, PhD भी चाहिए, लेकिन आजकल एकेडमिक फील्ड में भी PhD के बाद भी फील्ड कॉलेज पोस्ट डॉक्टोरेट. तो अगर आप सोचोगे आपने कुछ बेसिक कोर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, व्हाटएवर, यू गो एंड जॉइन अ कंपनी और यू मे बी यू हैव अ स्टार्टअप, लेकिन यू हैव टू स्टडी कंटिन्यूअसली उस फील्ड के बारे में. आपको पढ़ना है, लिखना है, नेटवर्किंग करना है, समझना है. तो क्या होगा कि व्हाट विल हैपन, योर इंटेलेक्ट विल गेट ट्रेन्ड. तो आपकी विचारधारा बढ़ेगी. केवल डिग्री से आजकल कुछ नहीं होता. मे बी योर डिग्री विल हेल्प यू गेट अ जॉब, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट उसके आगे अगर पढ़ते रहोगे तो आपके विचार बढ़ती है. और चाणक्य ना अर्थशास्त्र में कहा कि राजा जो सबसे बिजी व्यक्ति होता है उसको भी दिन में 3 घंटे पढ़ाई करनी है. 3
3 घंटे और उसको बोलते कि मैं कहां से 3 घंटे निकाल रहा हूं, तो फुल टाइम स्टूडेंट हो फिर भी हम 3 घंटा नहीं पढ़ते। बड़ो कहते हैं राजा होने के बाद जो कंटिन्यूअसली स्टडी करता है उसका इंटेलेक्ट ट्रेन हो जाता है, वो बुद्धिमान बनता है। सो इफ यू डोंट स्टडी योर इंटेलेक्ट विल नॉट बी प्रोसेस्ड। एंड रिमेंबर वन थिंग, गैदरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट गेटिंग नॉलेज, गैदरिंग इंफॉर्मेशन कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नॉलेज। आजकल आपको व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल जाता है, करेक्ट, बट यू टू प्रोसेस इट। इट्स लाइक कंटिन्यूअस स्टडी विल लीड टू अ ट्रेन इंटेलेक्ट। उसके बाद क्या, मुझे बहुत आइडियाज है, आई हैव गॉट दिस आइडिया, बट उससे कुछ नहीं होता। कैन यू मेक एन आइडिया इनटू अ प्लान, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक इट एन एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। जैसे हम कहते हैं कि हैविंग एन आइडिया कैन गिव एन एडवांटेज, बट मेकिंग दैट आइडिया इनटू अ प्रॉपर प्लान विल हेल्प यू सक्सेस फाइनेंशियली। सर जैसे हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र इज अ स्क्रिप्चर ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ ऑफ स्क्रिप्चर्स, करेक्ट, तो सर इसमें लीडरशिप का क्या एंगल आता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे हम रिलेट कर पाए इसको, कि जैसे आपने बताया कि सप्ताह का जो एक सूत्र है वो हर फील्ड में अप्लाई होता है, तो अगर हम एक स्टार्टअप के एंगल से देखें तो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन को लेके अर्थशास्त्र क्या बताता है। बहुत जो मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत जो डीप सूत्र है जो आपने अभी बताया वो है सप्तांग। देखिए क्या होता है कि स्टार्टअप जो कल्चर आजकल इंडिया में आ रहा है या वर्ड से ग्लोबली जो आ रहा है, मेनी एंटरप्रेन्योर्स डोंट थिंक लाइक ए लीडर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज इक्वल टू लीडरशिप। जब आप कंपनी शुरू करते हो तो आपको सोचना पड़ता है आपका विजन क्या है, आप अपनी टीम को कैसे लेके आओगे, कैसे बढ़ाओगे, हाउ विल यू गेट अ फाइनेंसर, हाउ विल यू क्रिएट प्रॉपर्ली सोशल मीडिया स्ट्रेटजी अराउंड इट। तो ये सब केवल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है, ये लीडर्स की क्वालिटी है। तो फिर एंटरप्रेन्योर थिंक्स लाइक ए लीडर, ही विल बी एबल टू टेक द होल कंपनी फॉरवर्ड। बट इफ ही ओनली थिंक्स लाइक ओनली हाउ टू मेक मनी, ही मे इवन टेल पीपल टू लीव, इवन यू टेल द पीपल कि मेरे कंपनी छोड़ के जाओ। इसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या कोई भी टाइप की क्राइसिस आती है तो लोगों को निकाल देते हैं। अरे आप सोचिए कि ये आपके सबसे बड़े एसेट है, दैट इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप, कि बुरे वक्त में आपके लोग आपके साथ रहेंगे और आपके साथ काम करेंगे तो बुरा वक्त जल्दी से अच्छे वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है तो वो लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, बट इफ इज थिंकिंग लाइक ए लीडर, वो लोगों को साथ में लेके चलेगा। और लोगों को कैसे साथ में लेके जाना है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। इसीलिए एवरी एंटरप्रेन्योर हु इज गोना स्टार्ट अप शुड थिंक लाइक ए लीडर। जैसे आपने बताया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्वामी अमाते जनपद दुर्गा कोषाध्यक्ष स्ट्रक्चर, कि आपकी टीम कैसे काम करेगी सब, तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। और हमने देखा है, हमने काफी एक्सपेरिमेंट भी किया है विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज स्टिल रिलेवेंट। सर अगर कोई स्टार्टअप को अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी हो तो उसकी शुरुआत कैसे करें? मैं तो कहूंगा स्टार्ट विद द बुक कॉर्पोरेट चाणक्य, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले जब मैं एंटरप्रेन्योर बना खुद, तो मुझे अर्थशास्त्र पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया। इट इज वेरी वेरी स्कॉलरली एंड पूरा जो किताब है संस्कृत में है, ऑफकोर्स इंग्लिश ट्रांसलेशन आर ऑल्सो अवेलेबल, बट लेट मी टेल यू, इतना पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि और भी पढ़नी है। ऑफकोर्स आई वेंट टू केरला, डॉक्टर गंगाधर नायर के अंडर मैंने पूरे 6,000 श्लोक संस्कृत में सीखे। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में खुद PhD किया अंडर डॉक्टर शुभदा जोशी मैडम, बट मुझे ऐसे लगा कि सब लोग इतना मेहनत 7-8 साल नहीं कर सकते। आजकल हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आपको बिठाएंगे और बोलेंगे दवाई कैसे बनते हैं दिखाऊंगा, बोले छोड़ो यार, जो एक सिंगल से एक दवाई का पिल दे दो, आई वांट सिंपल सॉल्यूशन, डोंट टेल मी हाउ द मेडिसिन इज मेड। और मुझे 100 रुपए का दवाई मिल गया, खा लिया, और दवाई से अगर छूट मिल गई तो अच्छा। तो मैं कहूंगा कि डो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडी द होल अर्थशास्त्र डू दैट, लेकिन अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो स्टडी कॉर्पोरेट चाणक्य, दैट्स एन एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉन थ्रू इन माय लाइफ अप्लाइंग चाणक्य। सप्तांग मॉडल है, लीडरशिप क्वालिटीज है, हाउ टू मैनेज पावर, उसका होता है लीडर इज ऑलवेज इन अ पावरफुल पोजीशन और उसके आजू बाजू में लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अर्थशास्त्र लीडरशिप आइडिया इन स्टार्टअप इज कॉर्पोरेट चाणक्य। और एक बात, मैं और एक किताब लिख रहा हूँ, चाणक्य फॉर स्टार्टअप्स, इसलिए अभी टाइम आएगा, लेकिन तब तक के लिए कॉर्पोरेट चाणक्य एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू रीड द बुक चाणक्य इन यू। ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त जी ने तो चाणक्य से लिया था पूरा ज्ञान, लेकिन एंशिएंट विजडम में से कितने लीडर्स हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र अप्लाई किया है? रिसर्च के अनुसार ये भी पढ़ा था सर किधर तो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अर्थशास्त्र अप्लाई किया था, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, इनफैक्ट देयर आर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस। ओह या, तो मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, आपको एक है छत्रपति शिवाजी महाराज,
तो उसमें से जो पहला हमको देखते हैं कि व्हाट इज शिवाजी महाराज स्ट्रैटेजी, उन्होंने सारे जो उनके दुश्मनों कैसे हराया, तो उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो एक उनका स्ट्रैटेजी आपको पता चलेगा, दुर्ग। सो शिवाजी महाराज जो मराठा किंगडम है, इट हैड मोर देन 400 फोर्ट्स ओनली इन महाराष्ट्र, 400 फोर्ट्स, जिसको दुर्ग जो वर्ड है जिसको मराठी में हम किला भी बोलते हैं, हिंदी में भी किला बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज दुर्ग। तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र शिवाजी महाराज ने पढ़ा है, उससे गाइडेंस लिया है, एंड ही बिल्ड हिज होल किंगडम विद द कंसेप्ट ऑफ दुर्ग। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, आप सोचिए कि इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने क्रिएट किया। इट वाज मेनी पीपल डोंट नो दैट चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज है वो आज का मॉडर्न डे बॉम्बे तक भी था और नीचे साउथ तक भी था जी। तो कैसे किया, दैट इज बाई अप्लाइंग द सप्तांग मॉडल। उन्होंने बहुत सारे जो उनका राज्य का जो बढ़ावा था या फिर एक्सपेंशन था, वो चाणक्य के मॉडल पे किया। तो यस यू आर राइट, नॉट ओनली छत्रपति शिवाजी महाराज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी, एंड देयर आर स्ट्रेटजीज ऑफ हाउ टू डिफीट द एनिमी थ्रू द नेवी, वो चाणक्य का अर्थशास्त्र जाता है। एंड शिवाजी महाराज इज सच ए ग्रेट लीडर दैट इवन आफ्टर सो मेनी जनरेशन वी लुक अपॉन हिम, एंड ही गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज टीचर्स एंड अर्थशास्त्र। सर एक आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, आप क्या बताना चाहेंगे? थिंक लाइक ए लीडर एंड टू थिंक लाइक ए लीडर स्टडी चाणक्य। वाओ।